हेलो क्लास नाइन दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर वन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स बिफोर ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लेन यू स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड इन गैस विच इज द वीडियो इज ऑन द चैनल यू कैन गो एंड चेक दैट ये चैप्टर वन का सेकेंड पार्ट है इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को जो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस उसमें पूरे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे सेकंड पार्ट है बेसिकली तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस लेकिन दो साइंटिस्ट ने एट प्रेजेंट टाइम साइंटिस्ट ने दो और मैटर्स डिस्कवर किए हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर होते हैं ठीक है तो उनमें से एक है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा वी कैन ऑब्जर्व दैट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा एट वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा में जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वैसे तो किसी भी पार्टिकल का किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम होता है लेकिन एटम भी सब डिवाइडेड होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन में यह आगे के चैप्टर्स में एक डिटेल्स में पढ़ेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस नेक्स्ट आप प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो बहुत लो होती है क्यों क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है प्लाज्मा इन डेली लाइफ अब आपने प्लाज्मा कहाँ देखा है है ना तो अगर हम प्लाज्मा देखने की बात करें तो जितने भी डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होती है एक ग्लास ट्यूब होती है उसमें लाइट परास करा के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग जो बिजली चमकती है और जब फ्लेम्स जल फ्लेम्स मतलब होती है रोशनी 哎，那。 लॉ हिंदी में कहा जाता है ठीक है बी इज जब इलेक्ट्र वन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रो अ हीलियम गैस फ्लोरोसेंट ट्यूब फ्लोरोसेंट ट्यूब जैसे रॉड होती है वैसे ही उसे ही फ्लोरोसेंट ट्यूब्स कहा जाता है इसमें कौन सी गैस होती है हीलियम गैस होती है एंड नीओन गैस इन द नियोन साइन बल्ब नियन साइन बल्ब क्या होता है जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर क्रॉसिंग्स पर या चौराहे पे या कहीं पर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स होर्डिंग्स काम करने लगी हैं लगी रहती है, ना तो उसमें यही सब होता है नीओन गैस वगैरह होती है दिस गैस गेट आयरनाइज टू फॉर्म प्लाज्मा तो हीलियम गैस और न्योन गैस क्या होती है आइनाइज्ड हो जाती हैं वो प्लाज्मा का काम करती हैं ये तो हमारी डेली लाइफ जो हम देखते हैं नेक्स्ट है प्लाज्मा इन यूनिवर्स इस यूनिवर्स में प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट है जितने भी स्टार्स हैं यहाँ तक कि सन भी एक स्टार है आप जानते होंगे ब्राइटेस्ट स्टार सन है ठीक है वो क्यों चमकता है प्लाज्मा की वजह से चमकता है इसके अलावा जो रेडिएशन्स होती हैं अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन्स होती हैं या बाकी की जो रेडिएशन होती हैं वो भी किसकी वजह से होती है प्लाज्मा की वजह से होती है आई होप प्लाज्मा इज़ क्लियर टू यू ऑल नेक्स्ट इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बी ई सी बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ठीक है बोस तो इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है इन्हीं के नाम पे इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम ही रख दिया गया है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ठीक है ये बहुत अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर बहुत लो टेम्परेचर पर होता है जिसको कहा जाता है नैनो कैलविन नैनो मतलब नाइन्थ पार्ट ठीक है और ये इतना छोटा होता है कि अप्रॉक्स लगभग जीरो कैलविन के बराबर होता है एग्जैक्टली जीरो कैलविन नहीं होता है लेकिन लगभग जीरो कैलविन ही होता है ठीक है लेकिन अगर इसको बनाने की बात किया जाए तो इसको पहले सबसे पहले बनाया था कॉर्नल कैटल एंड वाईमैन ने जो यू एस ए में नाइनटीन नाइन्टी फाइव में बनाया गया था ठीक है फोर्थ और फिफ्थ स्टेट जैसे आपको इंट्रो के लिए पढ़ना है ठीक है उसमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना द नेक्स्ट पार्ट इज डिफ्यूजन नेक्स्ट पार्ट इज डिफ्यूजन वॉट डिफ्यूजन क्या होता है जब कोई भी दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल टूगेदर इज कॉल डिफ्यूजन ठीक है बताया था सॉलिड लिक्विड गैस में कि जो पार्टिकल्स होते हैं चाहे वो सॉलिड के हों लिक्विड के हों या गैस के हों दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और जो भी चीज़ें हम कोई दूसरी चीज़ जब एक किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिक्स करते हैं तो मिक्स होने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है इंटरमोलिकुलर स्पेस दूसरा वाला पार्टिकल उन स्पेस के बीच में सेटल्ड हो जाता है है ना इसीलिए उसमें आराम से मिक्स हो जाता है ठीक है और मिक्स होने का रीज़न यही है कि एक सब्सटेंस का जो स्पेस होता है उसके बीच में दूसरे पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं उसी चीज को कहा जाता है डिफ्यूजन दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के स्पेस के में चला जाता है द सिटम मिकसिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन यही काम जो पार्टिकल्स अपने आप करते हैं किसी दूसरे पार्टिकल में मिक्स होकर के उसे डिफ्यूजन कहा जाता है जैसे सिंपली एग्जाम्पल आप एक इंक का ले सकते हैं एक कलर का या इंक का ले सकते हैं इसमें आप एक बीकर ऑफ वाटर लेंगे ठीक है इसमें अगर आप फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर मिक्स होते होते वो पूरा इंक वाटर में मिक्स हो जाता है तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो गए हैं पार्टिकल्स के बीच में उन्होंने जो स्पेस है वहाँ वो उन्होंने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है जिसकी वजह से इंक और वाटर है ना दोनों एक दूसरे में क्या हो गए हैं डिफ्यूज़ हो गए हैं ठीक है आई होप दिस इट्स क्लियर टू यू ऑल नेक्स्ट डिफ्यूजन बिकेम फास्ट इन हीटिंग डिफ्यूजन की स्पीड जो है कोई सब्सटेंस जितना गर्म हो जितना टेम्परेचर उसका हम हाई करते जाएंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा और जितना टेम्परेचर लो करते जाएंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा सिंपली एक एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को आप समझ सकते हो उसे आप अगर वाटर में आपको शुगर डिजोल्व करना है तो आप पानी को जितना गर्म करेंगे शुगर डिजोल्व करने की स्पीड बढ़ती चली जाएगी और पानी जितना ठंडा होगा शुगर डिजोल्व होने की स्पीड उतनी कम रहेगी तो डिफ्यूजन फास्टर होता है जब भी क्या होता है किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो उसका जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एनर्जी कॉज ड्यू टू द स्पीड ऑफ एनी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस की स्पीड की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है ठीक है और जब एनर्जी होगी तो पार्टिकल्स की स्पीड भी बढ़ जाएगी जब स्पीड बढ़ जाएगी तो पार्टिकल एक दूसरे दूर दूर जाना शुरू कर देंगे और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस बनता चला जाएगा डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेज गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्पेस सबसे ज़्यादा होता है एंड स्लोएस इन सॉलिड्स सॉलिड्स में बहुत कम होती है क्योंकि उनमें स्पेस बहुत कम होता है नेक्स्ट कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स लिक्विड्स में बाकी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं यस yes, बिल्कुल हो सकती हैं क्यों क्योंकि लिक्विड्स के बीच लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है है ना और अगर स्पेस होगा तो उसमें सॉलिड्स भी मिक्स हो सकते हैं लिक्विड्स भी मिक्स हो सकते हैं और गैसेस भी मिक्स हो सकती हैं ठीक है डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्पेस पार्टिकल और लिक्विड के बीच में जो है प्रोवाइड करवा रहा है लिक्विड के पास कितनी जगह है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको डिफ्यूज़न के के लिए डिफ्यूजन इन डिफ्यूजिंग सॉलिड्स इन टू लिक्विड्स पहला एग्जाम्पल है कोई एक लिक्विड कोई एक सॉलिड जो है लिक्विड डिज़ोल्व हो रहा है बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर इन टी या शुगर इन वाटर भी आप कह सकते हो ठीक है चीनी जो है आपकी चाय में या पानी में डिज़ोल्व हो जाती है तो शुगर क्या है सॉलिड टी क्या है लिक्विड है स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट पोटेशियम पर मैगनेट एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो लैब्स में आपको ईजिली मिल जाएगा ये पर्पल कलर का होता है ठीक है जब आप इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पूरा जो वाटर है वो पर्पल हो जाएगा क्यों हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट पार्टिकल्स इन टू वाटर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस था वो स्पेस किसने ले लिया है पोटेशियम पर मैगनेट ने ले लिया है और पोटेशियम पर मैगनेट किस हुआ क्या हुआ है पोटेशियम पर मैगनेट मिक्स हुआ है ना वाटर में तो पोटेशियम पर मैगनेट ही डिफ्यूज हुआ है वाटर के बीच में सेम चीज़ स्प्रेडिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ ब्लू कलर किसका होता है कॉपर सल्फेट का ठीक है कॉपर सल्फेट भी एक तरह का सब्सटेंस है जो लैब में आपको मिल जाए केमिकल है ठीक है ठीके? ये ब्लू कलर का होता है जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो पूरा वाटर जो है ब्लू कलर का अपीयर हो जाता है क्यों बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल इन वाटर नेक्स्ट डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड्स एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है अभी हमने बताया इंक और वाटर का एग्जाम्पल ठीक है इंक के पार्टिकल जो है वाटर के बीच के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो ड्यू टू द डिफ्यूज़न ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर नेक्स्ट है डिफ्यूजिंग गैस नेक्स्ट इज डिफ्यूजिंग गैस इंटू गैस अब एक गैस भी दूसरे गैस में मिक्स हो सकती है कैसे पता आप किचन में जब खाना बनता है तो खाना जो होती है उसकी स्मेल क्या है वो स्मेल जो है वो भी एक तरह की गैशियस स्टेट ही है ठीक है और हवा है रूम में ठीक है अगर किचन में कोई खाना बन रहा है तो आपको दूसरे कमरे में उसकी स्मेल आती है क्यों आती है क्योंकि जो स्मेल है वो भी एक तरह का स्टेट है और एयर तो है ही है गैशियस स्टेट तो स्मेल गैस के पार्टिकल एयर गैस के पार्टिकल के बीच में मिक्स हो जाते हैं और क्योंकि एयर के बीच में स्पेस होता है तो पार्टिकल मूव करते रहते हैं और आपको दूसरे रूम में उसकी स्मेल आती है तो बेसिकली क्या होता है डिफ्यूजन ही होता है वो भी इसके अलावा फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जो होती है अगरबत्ती या धूपबत्ती उसे इंसेंस स्टिक कहा जाता है ठीक है उसके भी स्मोक जब है एयर में मिक्स हो जाता है तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है तभी आपको पूरे कमरे में धुआं धुआं धुआ दिखाई देता है अगर आप रूम के एक कॉर्नर पर अगरबत्ती या धूपबत्ती जला दें तो आपको पूरे कमरे में स्मोक दिखाई देगा क्यों क्योंकि जो स्मोक है वो डिफ्यूज़ हो गया है रूम की एयर के साथ थर्ड वन इज स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली ड्यू टू तो द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इन एयर सेम चीज़ परफ्यूम के केस में अगर आप रूम के एक कॉर्नर परफ्यूम का स्प्रे करें तो दूसरे कॉर्नर में आपको वो स्मेल महसूस होगी है ना क्यों क्योंकि परफ्यूम डिफ्यूज़ हो गया है रूम के एयर में नेक्स्ट है डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू सॉलिड अब सॉलिड भी है डिफ़्यूजन करता है सॉलिड एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ कर सकता है कैसे कह सकते हैं अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिखते हैं है ना चाहे वो चौक हो चौक तो सॉलिड है देखिए यहाँ दो दो एग्जांपल आपका हो गया एक चौक अगर सॉलिड का पूछा है और इंक अगर लिक्विड का पूछा मार्कर यूज़ करते हैं ना उसमें इंक होती है ठीक है तो अगर आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर चौक या इंक से लिख देते हैं और उसे कुछ समय के लिए लिखा हुआ छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद कुछ समय मतलब दस पंद्रह दिन अगर वो लिखा रहे ऐसे ही आप उसको इरेज नहीं करें तो आपको उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चौक के पार्टिकल, के पार्टिकल्स, सॉलिड हैं और जो एंक के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाता है ऑन टफ सॉरी टफ है टी ओ यू जी एच टी ओ यू जी एच ठीक टफ सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड क्योंकि जो इंक या चौक की जो के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के जो सरफेस है उसमें डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो आपको क्या दिखाई देता है उसको हटाना मुश्किल हो जाता है तो वो डिफ्यूजिंग ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ नेक्स्ट है इफ टू मेटल ब्लॉक अगर आप दो मेटल ब्लॉक को एक के ऊपर एक रख दें कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम ये साल काफ़ी लंबा टाइम होगा महीने या साल भर तो आप देखेंगे कि दोनों जो मेटल्स के जो ब्लॉक्स हैं है ना वो हैव डिफ्यूज इन टू ईच इन टू अदर मेटल दोनों ब्लॉक्स के जो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि एक मेटल ब्लॉक का जो मेटल पार्टिकल्स हैं वो दूसरे ब्लॉक के मेटल पार्टिकल में डिफ्यूज़ हो गए हैं अब इस तरह से रेट ऑफ़ डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घट घर, घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसमें होता है गैसेस में क्योंकि गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरा कोई भी सब्सटेंस गैसेस में इजीली मिक्स हो सकता है तो डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है गैसेज में मॉडरेट होता है लिक्विड्स में ठीक है डिपेंड करता है लिक्विड्स के बीच में कितना स्पेस है लेकिन मॉडरेट होता है कंपेरेटिव टू ऑल थ्री मैटर्स ठीक है और सॉलिड्स में मिनिमम होता है ये इतना सॉलिड्स में इतना मिनिम स्लो होता है कि ऐसा लगता है कि सॉलिड्स के बीच में डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है ठीक है तो आई होप डिफ़्यूजन इज़ क्लियर टू यू ऑल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ओके नाउ लाइक दू वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द एफर्ट थैंक यू